तो आइए बच्चों यात्रा शुरू करते हैं एक बहुत ही अद्भुत चैप्टर की। जी हाँ, ये चैप्टर आसान है, वेल कंसेप्चुअली बहुत अपीलिंग है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बच्चों को बहुत मजा आता है इसको सुनकर। कई सारे बहुत खूबसूरत सटल पॉइंट्स भी इसमें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि इसका जब क्वेश्चन आता है जेई में, वेल अधिकांश केसेस में अगर आपने ढंग से चैप्टर हमारे साथ पढ़ा है, सुना है, आप अटकेंगे नहीं। वो श्योर शॉट एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही और वो क्वेश्चन आपसे हो भी जाएगा ही, फिक्स्ड है। अच्छा, तो क्या है इसमें? वेल चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अपने इस चैप्टर में। सच तो ये है, चैप्टर के दो बड़े हिस्से हैं, एक शुरुआत का जिसको आप कह सकते हैं फेज इक्विलिब्रियम, और दूसरा ही है जिसको आप कह सकते हैं ट्रूली स्पीकिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो इन जनरल आइए, वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से लोग सॉल्यूशंस एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसा करके नाम देते हैं। वेटेज कितनी है? वेटेज यूजुअली इसकी एक क्वेश्चन की रहती है, कभी किस्मत अच्छी हो तो दो तीन आ जाते हैं, पर वो रेयर है, 5-7-8 साल की साइकिल में कभी एक आध बार, अदरवाइज फिक्स्ड है, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे ही एक एक बूंद से पूरा घड़ा भरता है, तो आइए हम भी उस पुण्य के घड़े को भरें और अपना पहला कदम रखते हैं कहां पर? सॉल्यूशंस पर। सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो डेफिनेशन ही, सॉल्यूशंस हैं क्या? ट्रूली स्पीकिंग सॉल्यूशंस की चर्चा आपने मोल कंसेप्ट में सुनी होगी शायद। नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं, तो आप सुन लीजिए। आप कोई भी एक से ज्यादा चीजें मिक्स करें, इफ मोर देन वन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड एंड इफ देयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, वी कॉल इट अ सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर कब बनता है? यूजुअली तब, अच्छा दो शब्द आते हैं इसमें, एक आता है सॉल्यूट, 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 और दूसरा आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसको घोला जाए वो है सॉल्यूट, जिसमें घोला जाए वो है सॉल्वेंट। यूजुअली सॉल्यूशंस, वैसे तो गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, कहने को सब कुछ ही हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस पर। तो सॉल्वेंट जो है हमारे इस चैप्टर में, जो लिक्विड है वो होगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट मे बी सॉलिड, इट मे बी सॉरी द सॉल्यूट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, और इट मे बी गैस। अच्छी बात है। अब सॉलिड या गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं तब तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, लेकिन अगर दोनों ही लिक्विड्स हों तब किसको सॉल्वेंट कहेंगे आप? क्या सॉल्वेंट के लिए कुछ है? अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। सच तो ये है कि ये बहुत अप्रोक्सीमेट बात है, क्योंकि हमेशा जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो ये आवश्यक है नहीं। क्यों? आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या क्या? जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, 10% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना? 10 ग्राम्स H2SO4 जिसको कहते हैं सॉल्यूट, और 90 ग्राम्स H2O जिसको हम मान लेते हैं सॉल्वेंट। तो परसेंटेज क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट परसेंटेज बाय मास। अगर किसी सॉल्यूशन में आप कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो परसेंटेज, जैसे 10% सल्फ्यूरिक एसिड मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और बचा हुआ 90 ग्राम क्या है? खाली सॉल्वेंट है। कौन? कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेते हैं सॉल्वेंट पानी है। अच्छी बात है। आप तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बता रहे थे। हाँ, वही बता रहा हूं, एक ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक गड़बड़ है जो अक्सर हो जाती है। कैसे? 10% सल्फ्यूरिक एसिड तो ये है, अब मान लीजिए हमने कहा कि साहब 90% सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, 90% सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता? इसका मतलब होता कि उसमें 90 ग्राम H2SO4 है और उसमें 10 ग्राम H2O है,
बड़े खुशी की बात है। अगर 90 ग्राम्स H2SO4 है और 10 ग्राम H2O है, अब मुझे बताइए ज्यादा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड या पानी? जवाब है ज्यादा तो सल्फ्यूरिक एसिड है। और जो लोग कहते हैं कि जो ज्यादा होता है वही सॉल्वेंट होता है हमेशा, तो इसका मतलब अब ऐसे किसी परिस्थिति में अगर है नहीं, पर अगर मैं मान लूं कि ये सॉल्वेंट, वी फॉर वेंट, अगर ये सॉल्वेंट है, अगर मैं मान लूं कि ये सॉल्वेंट है, तो अब परसेंटेज बाय मास कैसे लिखूंगा? परसेंटेज होता है मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखना, पहले वाले में तो H2SO4 कम था तो वो सोल्यूट था। अगर कम वाला सोल्यूट है तो हम H2O को कह देंगे कि जी अब तो ये कम हो गया, ये सोल्यूट हो गया। अगर सोल्यूट हो गया तो मास ऑफ सोल्यूट फिर से कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? फिर से 100 ग्राम इंटू 100। क्या क्या? तो आप इसको 90% H2SO4 कहने की बजाय आप इसे 10% सोल्यूशन भी बोल सकते थे। कोई बोलता नहीं है तो बहुत बेवकूफी की बात है। क्यों? अरे 10% मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 90% मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 10% सल्फ्यूरिक एसिड स्किन पर गिर जाए आपको बहुत कष्ट नहीं होगा, बहुत सुख का स्रोत नहीं है, कोई ब्यूटी पैक नहीं है, लेकिन गिर गया आप हाथ धो लीजिए आपके शांति है। 90% सल्फ्यूरिक एसिड आपने गिरा लिया, ऑफकोर्स हाथ तो धोना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज बहुत बैंड बचेगी, पर 90% कंसंट्रेटेड है यार, तकलीफ होगी, आग लगेगी, एकदम स्किन जल जाएगी बुरी तरह से। तो दी सेम नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। तो वो जो गड़बड़ हो रही है वो कहां है? गड़बड़ उस परिभाषा में है। क्या? कि जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अक्सर जो ज्यादा है उसे सॉल्वेंट कह देते हैं लोग, लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आप देखिए, पानी इतना पॉपुलर सॉल्वेंट है, पानी अगर आता है एक बूंद भी पानी की डाल देता है कोई किसी सॉल्यूशन में, तो हम ये मानते हैं पानी ही सॉल्वेंट है। पानी आ रहा है तो पूरी बेशर्मी से आप पानी को सॉल्वेंट मान लीजिए। यही नहीं, इस तरह के एसिड्स को अगर किसी सॉल्वेंट पे दूसरी चीज में घोल रहे हैं, जहां पे मेन जो आपका जो रिएक्टिव एजेंट है, अगर वो कोई एसिड है, कोई पॉइजन है या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, अक्सर उन्हीं को सोल्यूट माना जाता है। और जो रिलेटिवली इनर्ट पदार्थ होता है, जो उतना रिएक्टिव नहीं होता, अक्सर लोग उसको भी सॉल्वेंट मान लेते हैं। अगर दोनों पदार्थ लिक्विड हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं, तो ध्यान रखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डेजिग्नेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि कौन ज्यादा है कौन कम। अक्सर ज्यादा वाले को लोग बोल देते हैं कि वो सॉल्वेंट है, कम वाला सॉल्यूट है, पर ये हमेशा सच नहीं होता। तो सच क्या है, डेफिनेशन क्या है? अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस से ही चलता है, इसकी कोई डेफिनेशन बहुत सटीक नहीं है। लगभग वही है जो मैंने कहा था, अक्सर ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा खतरनाक वाले एजेंट को, अब खतरनाक की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, उसको लोग सोल्यूट मान लेते हैं, और जो रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होता है उसको लोग अक्सर सॉल्वेंट मान लेते हैं। ये भी कोई साफ साफ बोलता नहीं है, पर परंपरागत रूप से ये भी चलता आया है। तो हमने तीन शब्द देखे हैं अब तक, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। और सोल्यूशन ऑफकोर्स हम यहां पे लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी है, और वो क्या है? परसेंटेज बाय मास। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे नापते हैं? कई तरीके हो सकते हैं कंसंट्रेशन नापने के। एक है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है परसेंटेज बाय मास। 100 से मल्टीप्लाई न करते तो क्या हो जाता? तब ये हो जाता मास फ्रैक्शन। तो अगला प्रश्न ये आता है कि वो कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन नाप सकते हैं किसी सॉल्यूशन का? क्यों? अक्सर लोगों को कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे चाय में एक चम्मच चीनी, चाय में दो चम्मच चीनी, चार चम्मच चीनी, कितनी चीनी, ये क्या है? कंसंट्रेशन नापने का तरीका है। अब वो बात अलग है कि चाय के प्यालों की साइज अलग अलग होती है, कट चाय हो तो चाय थोड़ी कम ज्यादा वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, चम्मच की साइज अलग हो सकती है, वो ऊपर तक भरा है या फ्लैट है। ये बड़ा अनसाइंटिफिक मेजरमेंट है कि एक प्याला चाय में कितने चम्मच चीनी, लेकिन फिर भी एक तरह से ये भी एक क्रूड किस्म का मेजरमेंट तो है। किसका? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट। आइए सबसे पहले मोल कंसेप्ट का वो रिविजन करते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। मतलब हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ध्यान रखिए यहां पर हम एक समरी प्रेजेंट करेंगे आपको बेसिक डेफिनेशंस की और आगे बढ़ जाएंगे। यदि इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट के बारे में आपको बहुत विस्तार से देखना है तो बहुत आसान है,
3 लेक्चर्स हैं मोल कंसेप्ट के सेपरेटली, आप मोल कंसेप्ट की वो क्लासेस देखकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर डिटेल में इसको देखना, इसके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा समय नष्ट करने के लिए, इस विधा के लिए स्थान नहीं है। पर फिर भी एक क्विक रिकैप के लिए, फटाफट दोबारा देखने के लिए, आइए देखते हैं कि सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन नापने के और कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। एक तो है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या हुआ, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, सॉरी क्षमा चाहता हूं, बस ये इनटू 100 नहीं है, बस इतना ही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या आ गया, ये आ गया मास फ्रैक्शन। और अगर आप इसी की बजाय, अच्छा मास फ्रैक्शन को अक्सर लोग बोल देते हैं वाई, और y इंटू 100, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को कहते हैं मास परसेंट, परसेंटेज बाय मास, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कुछ और, हां हम मोल फ्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में अगर 2, 3, 4, 5 चीजें हैं, सबके मोल जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज ऑफन डिनोटेड बाय एक्स, ऐसे ही आप मोल परसेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। मोल परसेंट क्या है, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मोल फ्रैक्शन का 100 गुना हो गया मोल परसेंट। अच्छा परसेंट, परसेंट का मतलब हुआ पर 100, 100 में से कितना हिस्सा, और कुछ भी होता है, हाँ आप 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर मिलियन से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, तब वो हो जाएगा पीपीएम, ppm by moles, ये क्या है x into 10^6, 1 million parts per million by mole, इसका मतलब होता है moles of solute divided by total moles of solution into 10^6। ये ppm क्या बताता है, ये बताता है कि अगर मैं 1 million mole ले लूं solution के, तो उस 1 million mole में solute के कितने moles हैं। जाहिर सी बात है जो बहुत dilute solutions हैं उनके लिए ये आएगा, जैसे जैसे एयर है, एयर एक गैसीय सॉल्यूशन है, हाँ जी आप कह सकते हैं कि एयर में अगर हम पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं, कोई ऐसी गैस जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S इन एटमॉस्फेरिक गैसेस इज एक्स पीपीएम, हाँ तो इसका मतलब हम 1 million मोल्स अगर एयर के लें तो उसमें से कितने मोल्स आएंगे H2S के। ये तीनों चीजें आप देख सकते हैं इसी रेशियो पर बेस्ड है, मोल फ्रैक्शन एक्स है, 100 से मल्टीप्लाई किया मोल परसेंट, मिलियन यानी कि 10^6 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है पीपीएम बाय मोल। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक और होता है, एक होता है पीपीएम बाय मास, वेरी इंटरेस्टिंग, ये पीपीएम बाय मास क्या बला है, इसको देखिए, दिस इज y इंटू 10^6, मतलब मास फ्रैक्शन इंटू 10^6। मास फ्रैक्शन क्या था, वो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, क्या बताता है ये बताता है कि अगर आपके पास 1 million ग्राम हैं, 1 million ग्राम्स हैं किसके, किसी सॉल्यूशन के, तो उसमें कितने ग्राम हैं आपके सॉल्यूट के। जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर इज 1 ppm, अगर कोई कहता है तो इसका मतलब अगर मैं 1 million ग्राम्स ले लूंगा समुद्री पानी के तो उसमें 1 gram गोल्ड घुला हुआ मिल जाएगा, अगर ये सच है तो इस तरह से ये ppm by मोल था। कई बार इसे w by w भी लिख देते हैं लोग, यानी कि ppm by मास। हमने 6 यूनिट्स देखी हैं,
मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल परसेंट, मास परसेंट, मोल पीपीएम बाय मोल एंड पीपीएम बाय मास। क्या और भी कोई यूनिट्स होती हैं? हाँ ऑफ कोर्स होती हैं। ये जो यूनिट्स हैं अभी तक जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब में आप देखें ये मास या मोल चल रहा है, कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया। अच्छा तो कोई खास बात हो गई? जी हां, ये हैं वॉल्यूम इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। अगर आप सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है, थोड़ा सा फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, लेकिन मास और मोल में परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए ये छह यूनिट्स जो अभी तक हमने देखी हैं, ये रही हैं वॉल्यूम या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की ही श्रृंखला में एक सातवीं और अंतिम यूनिट फिलहाल के लिए हम देखते हैं, जिसका बड़ा महत्व है, और उसका नाम है मोलैलिटी। क्या क्या तुतला रहे हो? मोलैलिटी? जी नहीं, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। ये लिटी है और मैं तुतला नहीं रहा हूं, उसका नाम ही मोलैलिटी है। अच्छा ये क्या है? दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी तक ऊपर मास था तो नीचे मास था, ऊपर मोल था तो नीचे मोल है, अभी नया ड्रामा आया है इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक किलो पानी में मान लीजिए मैंने एक मोल नमक घोल दिया तो वो एक मोलल होगा। क्यों? बिकॉज वन मोल सॉल्ट हैज बीन डिसॉल्वड इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये सात यूनिट्स हैं, कौन सी? जिनको आप कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी थी? जो वॉल्यूम पे डिपेंड करें, और वॉल्यूम पे कौन से डिपेंड करती हैं? आइए अब उनको देखते हैं। वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट्स में या टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स में पहली जो बहुत पॉपुलर है वो है ग्राम्स पर लीटर। ग्राम्स पर लीटर बहुत मजेदार यूनिट है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या होगी। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम पर लीटर, ऊपर ग्राम नीचे लीटर, ग्राम में कौन है? सॉल्यूट, और लीटर में कौन है? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट खाली एक जगह आया था और वो मोलैलिटी में आया था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अदरवाइज डिनोमिनेटर में हर जगह सॉल्यूशन आता है, सॉल्वेंट खाली मोलैलिटी में था, ये ग्राम्स पर लीटर है, ये एक अलग चीज है। अच्छा एक और यूनिट आती है विच इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पुरानी यूनिट है, आजकल कम चलती है, पर फिर भी कभी कभी आपको दर्शन हो जाएंगे। सुन लीजिए क्या है, ये भी इसी जैसी है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो एक लीटर में था, जी हां, एक लीटर के बजाय 100 ml में कितना है ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में देखा जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका कोई संबंध है? हां जी, एक लीटर में जो था वो है ग्राम्स पर लीटर, 100 ml में है वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो कि ग्राम्स पर लीटर इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10, एक लीटर में जितना होगा ऑब्वियसली 100 ml में उसका 1/10 होगा, तो ग्राम्स पर लीटर का 1/10 विल गिव यू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, बहुत पॉपुलर यूनिट्स नहीं है, आजकल साइंटिफिक लिटरेचर में इनका प्रयोग कम होता है, पर फिर भी पुराने लिटरेचर में अगर आप 150 साल पुराना देखें तो आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा। कुछ और भी है? हाँ, मोल्स की बात नहीं हुई है, तो आइए एक बार देखते हैं अंतिम और सबसे खूबसूरत मोलैरिटी। कई बार इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल सी। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या बताती है? ये बताती है
कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के। एक ग्राम्स पर लीटर था और ये मोल्स पर लीटर है। जी हां, वो अलग था और ये अलग है। फर्क क्या है आप देख सकते हैं, ग्राम्स और मोल में जो संबंध है वही मोलारिटी और ग्राम्स पर लीटर में है। मोलारिटी मास थी और ये मोल्स है। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव मी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर तो वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ग्राम्स पर लीटर। तो ग्राम्स पर लीटर इज मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यू क्यों है, यू सॉल्यूट के सम्मान में लिखा है। इस पूरे चैप्टर में हम ये अक्सर रखेंगे। आप देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल सॉल तो कॉमन है, फर्क आता है किसका, ये पहली चीज आती है यू और पहली चीज आती है वी यहां पे। तो मैं अक्सर जो नोटेशन यूज करता हूं बच्चों की सुविधा के लिए वो ये कि सॉल्यूट के लिए यू रख देता हूं और सॉल्वेंट के लिए वी रख देता हूं। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव मी द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर लीटर। बड़ा मजेदार कन्वर्जन है, बड़ा इजी और ऑब्वियस सा है, आपके सामने ये भी है। और विस्तार से अगर इसको देखना चाहते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो चेंजेस कैसे आएंगे, ये सब भी बड़ा खूबसूरत पोर्शन है। पर ये सारा का सारा हम मोल कंसेप्ट में कवर कर चुके हैं। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप मोल का वो सेक्शन देखिए जहां पर हमने इसको अपलोड किया है, वहां से आप इसको डिटेल में जान सकते हैं। अगर मोल कंसेप्ट में आपने इसको ढंग से नहीं किया है तो सिर्फ वो तीन लेक्चर्स हैं, उनको देखकर कम से कम इसको अपडेट कर लीजिए ताकि आगे के लिए कोई गड़बड़ी न रह जाए। फिलहाल सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को नापने के अलग अलग तरीके, अलग अलग यूनिट्स बताई हमने। 7 यूनिट्स बताई जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी, 3 यूनिट्स बताई हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। कौन कौन सी, मोलारिटी, ग्राम्स पर लीटर एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इन 10 अलग अलग यूनिट्स के साथ सुसज्जित होकर आइए अगला कदम बढ़ाते हैं और सॉल्यूशंस के कोई और फीचर्स हैं उनको भी देखते हैं। कुछ और संभावनाएं आती हैं, कुछ और शब्द आते हैं, क्योंकि पहली क्लास है तो जाहिर सी बात है डेफिनेशंस की क्लास है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको बतानी है, आपको बहुत सारे शब्द और टर्म्स हैं जो आपको बताने हैं। तो आइए अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टर्म पर आते हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। क्या, सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल। क्या है सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ एनी सॉल्यूट, द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ एनी सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट की मैक्सिमम प्रपोर्शन जो घोली जा सकती है वो कहलाती है उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट में इन कंडीशंस पर सॉल्युबिलिटी। अच्छा, जैसे जैसे प्रेशर का महत्व क्या है, अगर आप गैसेस खोल रहे हैं तो जैसे ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ज्यादा ज्यादा गैस खुल जाएगी, इसलिए प्रेशर का महत्व है। टेम्परेचर का, हाँ जी, कई बार आपने देखा होगा ठंडे पानी में चीनी इतने आराम से नहीं घुलती, गर्म पानी में चीनी आराम से घुल जाती है। लोग चाशनी बनाते हैं तो कैसे करते हैं, पानी को गर्म करते हैं ना कि फ्रिज में रखते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर बदलेंगे तो सॉल्युबिलिटी बदल जाती है, हाँ जी। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन सॉल्वेंट में आप घोल सकते हैं, प्रपोर्शन शब्द हमने यूज किया है। उस प्रपोर्शन शब्द का महत्व क्या है कि भाई इट इज अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, किसका रेशियो है, मास का, मोल का, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। अलग अलग यूनिट्स हैं सॉल्युबिलिटी की, लोग सॉल्युबिलिटी को मोल्स पर लीटर में भी नाप लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने मोल सॉल्यूट के हैं एक लीटर सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पर आ रहा है उसके टर्म्स में सॉल्युबिलिटी है। कभी कभी लोग मोलैलिटी के टर्म्स में नाप लेते हैं, वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो पानी में कितना सॉल्यूट घुल गया
उसको आप बोल देते हैं कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट घुल गए, वो हो जाती है उसकी मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ग्राम्स पर लीटर, मोल फ्रैक्शन, जो जो कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, किसी भी यूनिट में आप चाहें तो किसी की सॉल्युबिलिटी नापी जा सकती है। और जब ये मैक्सिमम अमाउंट खोला जा चुका है, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसका एक नाम होता है, हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन given mass या maximum proportion of solute आप कह सकते हैं which can be dissolved in a given solvent at a given temperature and pressure। ये बार बार proportion शब्द क्यों use कर रहे हो? चक्कर ये है कि अगर आप per liter में नापेंगे तो ये per liter of solution है, solvent का नापेंगे तो per kg of solvent है, वो गोलमाल हो जाती है। इसलिए इसमें ये कहना कि एक लीटर पानी में कितना घुल सकता है वो है सॉल्युबिलिटी, नहीं, एक किलो पानी में भी घुल सकता था, ये भी हो सकता था। इस वजह से प्रपोर्शन कहना सबसे सेफ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। तो जी हमने बात करी है अब तक किसकी? सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स की, और हमने बात करी है सॉल्युबिलिटी की। अब आगे क्या है, आगे देखते हैं अगला चरण जिसमें हम बात कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम की। हाँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और, हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। आइए एक बड़ा मजेदार टर्म देखें जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या? जी हां, सैचुरेटेड से भी ज्यादा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या बला है, इसके डेफिनेशन लिख लीजिए। अ सॉल्यूशन व्हिच होल्ड्स मोर देन इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ मेटास्टेबल स्टेट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या 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 क्या? अ सॉल्यूशन व्हिच होल्ड्स मोर देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ मेटास्टेबल स्टेट, इन अ मेटास्टेबल स्टेट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड, सॉरी, इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सुनने में बड़ा भयंकर लगता है, मेटास्टेबल स्टेट क्या बोला है, सुपर सैचुरेटेड कितनी। एक्चुअली जब पहली बार बच्चे सुनते हैं तो उनके मन में बहुत भयंकर प्रतिक्रिया होती है, वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, मैक्सिमम से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब जिसको आप मैक्सिमम बोल रहे थे वो मैक्सिमम ही नहीं था, वो तो कम था ना, क्योंकि उससे ज्यादा तो होल्ड ही कर सकता है। ऐसा नहीं है, ये बड़ी मजेदार चीज है। सबसे पहले आपको एक शब्द समझना होगा, वो है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? ये बड़ी आसान सी स्टेट है। इसमें हम कहते हैं कि देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो, जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं किसी सरफेस पे टिका के रखना चाहूं, जैसे ये है, है ना, मैंने कहा कि इसको ऐसे टिका के रखा हुआ है, अभी टिक गया, टिका हुआ है, टिका हुआ है, टिका हुआ है, हाँ जी, क्या ये बहुत स्टेबल है? हाँ, हल्का सा भी हाथ हिलेगा तो धड़ाम से गिर जाएगा। तो आप ये देखो, अगर कोई सिस्टम कहने को तो टिका हुआ है, इक्विलिब्रियम पर है, और अगर हमने उसे हल्का सा डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करते ही वो एक नए इक्विलिब्रियम पर चला गया। अब जब यहां पर है, मैं हल्का सा छेड़ता हूं, इधर करता हूं, उधर करता हूं, वो गिर नहीं रहा है, पड़ा हुआ है शांति से। मेटास्टेबल स्टेट कौन सी होती है? जो टिकी तो हुई है, स्टेबल तो है, लेकिन अगर उस इक्विलिब्रियम को आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे या उस सिस्टम को आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वो एक नए इक्विलिब्रियम की ओर, एक नई स्टेबल स्टेट की ओर चला जाएगा, पुरानी पर लौट कर नहीं आएगा, वो मेटास्टेबल है। झूठ मूठ की स्टेबिलिटी है ये, सच्ची स्टेबिलिटी नहीं है, बस जैसे तैसे टिका हुआ है, इतना ही है मेटास्टेबल। अच्छा, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मेटास्टेबल होते हैं? हां, जैसे तैसे बस रोक रखा है, टिका रखा है, थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे तो नष्ट हो जाएगा। अच्छा, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मजे से नष्ट हो जाते हैं? हां, लेकिन नष्ट तो वही होगा जो बनेगा। क्या ये बन सकते हैं? बिल्कुल। और कैसे बनते हैं? आइए बड़ा सरल तरीका है वो भी बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई भी, जैसे सोडियम एसिटेट जैसा कोई सॉल्यूट ले लीजिए जो पानी में हाईली सॉल्युबल हो, ठीक है, तो हमने ले लिया सोडियम एसिटेट, उसको हमने मान लीजिए गर्म पानी में घोला, उबलते हुए पानी में, और मान लीजिए उबलते हुए पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है, इतना कि एक लीटर पानी में मान लीजिए वो 2 किलो घुल गया। रैंडम बोल रहा हूं मैं, कोई ऐसा फिक्स डेटा नहीं है, मैं तो अस्यूम कर रहा हूं। तो 1 kg वाटर लिया, उसमें 2 kg सोडियम एसिटेट घोल दिया, हाँ, और वो घुल भी गया, एक
अप्रोक्स वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, पर मान लीजिए खुल गया, अब वो क्लियर सॉल्यूशन है, मस्त सॉल्यूशन है, आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। अब आप उसको छेड़िए मत, वैसे ही रहने दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा, एक मजे की बात है, ठंडे पानी में सोडियम एसीटेट की सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अब मान लीजिए ठंडा होकर वो 50 डिग्री पर आ गया, और मान लीजिए, जस्ट मान लीजिए कि 50 डिग्री पर सोडियम एसीटेट सिर्फ 1 किलो पानी में 1 kg ही घुल सकता है, आपने तो 2 kg घुल रखा था। हाँ जी, तो अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रकृति का ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है, ईश्वर की ऐसी अद्भुत लीला है, उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई है, ऐसा होता है कि यदि इस सॉल्यूशन को जिसमें ऑलरेडी आपने हद से ज्यादा सॉल्यूट घोल रखा है, अगर बहुत सावधानी से आप ठंडा करें, उसको डिस्टर्ब ना करें, उसमें कुछ कोई ऊपर से इंप्यूरिटी ना डालें, जिस बर्तन में वो है उसकी वॉल्स एकदम स्मूथ हो, आप पाएंगे जैसे वो धीरे 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 ठंडा होता जाएगा, धीरे धीरे या तेजी से जैसे भी हो, अनडिस्टर्ब तरीके से अगर वो ठंडा होगा, ये बिल्कुल संभावना है क्या कि बस वो वैसे ही पड़ा रहे। मतलब कायदे की बात है कि आपने अगर गलती से ज्यादा सॉल्यूट घोल दिया है और अब आपकी ठंडे पानी में सॉल्युबिलिटी कम है, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट था उसको बाहर आ जाना चाहिए, उसको पानी में घुलना नहीं चाहिए। क्यों? अरे वो तो 1 kg सॉल्ट से सैचुरेट हो रहा था, आपने तो 2 kg जबरदस्ती घोल रखा है। हाँ जी, लेकिन सॉल्यूशन जैसे अपने अपने मन में डंग 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 ठंडा होता है तो होता है, वो भूल जाता है क्या कि उसमें सॉल्ट हद से ज्यादा है, कि दिमाग होता है उनके, भूल जाते हैं, अब जो भी मान लीजिए, पर सच तो है कि वो भूल जाते हैं। और फिर अगर आप उनको याद दिला दें, कैसे, ए क्या करा है, टक टक हल्का सा कुछ हिला दें, उसमें कोई कंकड़ डाल दें, कोई पत्थर डाल दें, चम्मच से टंग कर दें, कुछ भी करें, जैसे ही आप उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, आप देखेंगे एकदम से उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं, यहां पर एक मेरे पास वीडियो है, उसको देखिए, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक क्रिस्टल टक टपकाया और जैसे ही वो डिस्टर्बेंस आया, आप देखें आसपास का सॉल्यूशन, उसमें से सॉल्ट के क्रिस्टल बनने लगे, आप देखें कितनी खूबसूरती से बन रहे हैं, और जैसे जैसे क्रिस्टल बनते जाते हैं, बाकी बाहर भी जो सॉल्यूशन है उससे भी नया नया सॉल्ट उस पर जमता जा रहा है, नए नए क्रिस्टल आते जा रहे हैं, और वो बड़े खूबसूरती से फैल रहा है। सुंदर है वो एक अलग बात है, लेकिन अदर देन दैट, आप देखें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्रिस्टल बाहर आने की प्रक्रिया ये है जो आपको यहां पर दिखाई जा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी बड़ा प्यारा रीजन है। ऐसा इसलिए होता है, इसको वैसे हम कहते हैं काइनेटिक फिनोमेना है। काइनेटिक फिनोमेना मतलब ये सिस्टम स्टेबल नहीं था, पर चूंकि ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जल्दी नहीं हो पा रही थी, इसलिए टल रही थी। होता यह है कि जब कोई नया फेज बनना होता है, जब भी कोई नया फेज बनना होता है, कुछ सरफेस टेंशन के एक्स्ट्रा फोर्सेस होते हैं जो चाहिए, जो वहां पे अप्लाई होते हैं। अब अच्छा, इसको बहुत डिटेल में हम और अच्छे से समझा पाएंगे जब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की और सुपर हीटिंग की, तब हम इसको और सुंदरता से बोलेंगे एक बार। पर फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि जैसे ही आपने कोई डिस्टर्बेंस किया, आपने कोई नया उसमें क्रिस्टल डाल दिया, आपने एक प्रोसेस शुरू कर दी है बहुत छोट मोस्ट क्रिस्टल के सॉल्यूशन से बाहर निकल जाने की, आपने उसे एनर्जी दी, आपने उसे कोई सरफेस दी जिस पर वो चिपक सके, तो सॉल्ट उस नई सरफेस पर चिपकना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे सॉल्ट चिपक कर निकलता रहता है, वो पड़ोसियों को भी बोलता रहता है, अरे मैं तो जा रहा हूं, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, और धड़ाधड़ 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 सबके सब बाहर आते जाते हैं, और आप पाते जाते हैं कि इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डिस्ट्रक्शन का, उसके उजड़ जाने का वीडियो है जो आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज ये जो आसपास दिख रहा है, ये तो वही है, बहुत प्यारा और सुंदर सा क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत अजीब अजीब फिनोमेना होते हैं दुनिया में। हां जी, तो हमने बात करी है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स, और यहां तक कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के फिनोमेना को भी जो प्रकृति में पाया जाता है हमने यहां देखा है। अब अगला पड़ाव आता है फेज इक्विलिब्रियम का। तो आइए, वेपर प्रेशर की बातें होंगी इसके बाद, और एक बार जब आप वेपर प्रेशर को एक्सप्लोर कर लेंगे तो हम और दूसरी कथाओं को आगे बढ़ें। एक छोटी सी बात, मोल कंसेप्ट कई बार गोल कंसेप्ट हो जाता है। पिछले सेशन में हमने भले ही मान लिया हो कि आपको मोल आता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा नोट बड़ा आवश्यक है, नोट ऑफ कॉशन इज वेरी नेसेसरी। क्यों? आपके लिए रिकॉर्डिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपका मोल है थोड़ा बहुत गोल,
तो इसमें अपने को गोलमाल होने की जरूरत नहीं है। वो पोर्शन जो हम वहां पढ़ाते थे उसको हम एक बार ब्रीफली बिल्कुल सटीक 90 तुले शब्दों में यहां पर रिकैप कर लेंगे ताकि कुछ भी आपका न छूटे। ऑल दो डेफिनेशन सारी की सारी हमने बता दी हैं, जो अपने जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स थी उन सबकी हमने चर्चा कर दी है। ऑफकोर्स एक यूनिट ऐसी है जिसकी चर्चा एनसीईआरटी में तो है, हम यूजुअली अलग से करते हैं, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनसीईआरटी हम उसको यहां कवर करना चाहेंगे और वो है नॉर्मालिटी। तो हम आज अपने सेशन में डिफाइन करेंगे नॉर्मालिटी, और यही नहीं कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स को एक से दूसरे में बदलते कैसे हैं। अगर ग्राम्स पर लीटर दिया हो तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स पर लीटर दे रखा हो तो कोई दूसरी यूनिट जैसे मोलालिटी निकालनी है तो या मोलालिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ये सारे इंटरकन्वर्जन्स करने का तरीका भी हम देखेंगे कुछ सॉलिड मेथड्स और एग्जांपल्स के साथ। क्या इनके फॉर्मूले रट लेने हमें? नहीं, मैं आपको एक बहुत शानदार मेथड बताऊंगा जिससे आपको कोई भी इंटरचेंज ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सही डेफिनेशन क्या है मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम पीपीबी इन सब की, और वो सब डेफिनेशन हम आपको पिछले सेशन में अभी जो इसका पहले वाला सेशन था उसमें बता चुके हैं। आपको सिर्फ उन डेफिनेशन के बाद ऑफकोर्स एक डेफिनेशन जो अभी नॉर्मैलिटी की बोलेंगे वो याद रखनी है, और वो मेथड देखना है, बहुत शानदार मेथड जो हम आपको बताने वाले हैं, उसको देखकर सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके और हम बिल्कुल निकल पड़ेंगे अपने रास्ते पर, राइट। तो चलिए ये सेशन डेडिकेटेड है कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट के थोड़े और डिटेल्स क्यों। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मालिटी, क्या है नॉर्मालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर थी मोलारिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर है नॉर्मालिटी। नया ड्रामा। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है? वैसे तो एक पूरा अलग से चैप्टर है इक्विवेलेंट कंसेप्ट का, हम उसकी अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बार इक्विवेलेंट्स के बारे में बता देना बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सिरदर्दी कम हो जाएगी। और वो इस तरह से है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, जहां एन कहलाता है इक्विवेलेंस फैक्टर। वो सब तो ठीक है पर ये इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है, असली रहस्य तो इसी का है। हां जी वो बताता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, अलग अलग रिएक्शंस के साथ एन अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर एसिड या बेस है कोई, अगर आपके पास कोई एसिड या बेस है देन राइट डाउन एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस गिवन और टेकन बाय वन स्पीशीज या वन मॉलिक्यूल या आयन ऑफ दैट स्पीशीज। एक मॉलिक्यूल या आयन किसी भी स्पीशीज का जितने H प्लस या OH माइनस ले सकता है या दे सकता है किसी रिएक्शन में उतना ही होगा उस रिएक्शन में, उस एसिड बेस रिएक्शन में इक्विवेलेंस फैक्टर N। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप यहां देखिए, मान लीजिए आपके पास HCl है, HCl कितना H प्लस दे सकता है 1, तो उसके लिए N फैक्टर है 1। अगर H2SO4 है कितने H प्लस दे सकता है 2, तो N फैक्टर है 2। अगर H3PO4 है 3 H प्लस दे सकता है, H4P2O7 4 H प्लस दे सकता है, तो N फैक्टर 1, 2, 3, 4 इनके लिए इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये बहुत आसान है, ऑफ कोर्स आसान है। इसी के बजाय अगर मान लीजिए H प्लस लेने की बात है, क्या कोई H प्लस ले भी सकता है? हाँ, जैसे अमोनिया, अमोनिया कितना H प्लस ले सकती है 1, तो H प्लस तो N इज इक्वल टू 1। इसी की बजाय अगर आपके पास सल्फाइड आयन है, अगर वो H प्लस ले लेंगे कितने -2 चार्ज है तो 2 H प्लस लेकर
बेचारे बना सकते हैं H2S, तो इनके लिए एनफैक्टर हो जाएगा कितना, 2। अच्छा दैट्स इट। इसी के बजाय अगर PO4 3- आयनाइज है, क्या आपको पता है कि मैक्सिमम कितने, 3H+ ले लें तो बना सकते हैं H3PO4। जी हां, तो इसके लिए एनफैक्टर कितना हो जाएगा, 3। जो H+ दे देते हैं वो एसिड, और जो H+ ले लेते हैं वो बेस, दैट्स इट। OH- का भी लेन देन होता है, हाँ, जैसे जैसे NaOH है, उसके लिए N कितना हो जाएगा, एक OH- दे रहा है तो 1। अगर आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, दो OH- दे सकता है तो N फैक्टर इज 2। और कोई तमाशेदार चीज है जैसे AlOH4-, पूरी बाबा इसके पास तो 4-4 OH- हैं, जी हाँ, तो क्या ये चारों OH- दे सकता है तो N फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। खतरनाक है विचार, राइट। तो जितने H+ या OH- आयंस, अब ये न्यूट्रल हैं, ये एनायन हैं, कोई भी स्पीशीज जितने H+ या OH- या तो ले ले या दे दे, उतने ही है उसका N फैक्टर, यदि एसिड बेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप। तो इसको यूज करते हुए आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन था NaOH का, तो कितना है वो, 1 नॉर्मल है। क्यों, आप कहेंगे नॉर्मैलिटी इज मोलारिटी इनटू एन। मोलारिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मैलिटी आ जाएगी। इसको देखिए ये 2 नॉर्मल हो जाएगा, इसको देखिए ये 4 नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से कुछ एबनॉर्मल तो नहीं लग रहा है इसमें, बहुत प्यारी है, बहुत आसान है नॉर्मैलिटी एसिड बेस्ड रिएक्शंस में। ध्यान रखिएगा, और ज्यादा एग्जाम्पल लूंगा और विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। डेफिनेशन तो इतनी रहेगी लेकिन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे अभी मान लीजिए मैंने 10 लिए, हो सकता है 50 ले लूं अगर हम अलग से इक्विवेलेंट कंसेप्ट के चैप्टर में बात कर रहे हैं, पर यहां इतना बहुत है, हद से ज्यादा है, इस चैप्टर में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है हमको। एक और हो सकता है एन फैक्टर, कौन सा, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो। अच्छा, उसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में एन रिप्रेजेंट्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो देखिए, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एच प्लस तो पुराने में था, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और एक्सेप्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल और आयन ऑफ दैट स्पीशीज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और एक्सेप्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल और 1 आयन ऑफ दैट स्पीशीज। जैसे जैसे मान लीजिए आयोडीन है, और आयोडीन का कोई ऐसा रिएक्शन, आयोडीन है, KI है, ऐसे मैं दो एग्जांपल, या K2Cr2O7 है, या आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक अ फ्यू एग्जांपल्स टू शो यू, मान लो हाइड्रोजीन है, ये 4 एग्जाम्पल अच्छे हैं। क्या करना है, मान लीजिए इनका रिएक्शन लिख रहे हैं हम, और आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और I- बना लिया, KI ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और आयोडीन बना ली, ऐसे ही K2Cr2O7 ने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ले लिए और बनाया, मैंने बैलेंस भी कर दिया रिएक्शन आपके मनोरंजन के लिए, आप देखिए। और हाइड्रोजीन अगर ऑक्सीडाइज हो रही है और बना रही है 4H+ नाइट्रोजन और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रही है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन टेकन भी हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज या गिवन भी हैं। अब हर केस में एन फैक्टर कितना होगा, अगर कोई पूछता है हमसे तो क्या बोलेंगे, भाई एक आयोडीन ने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए, तो इसके लिए एन बराबर हो गया 2। एक KI ने, ध्यान रखना जो यहां है वो 1 होगा, ये 1 होगा, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, तो
तो आप कह सकते हैं वन, ये कैसा है वन, ये कैसा है वन, वेल डन, है ना। तो क्या हो जाएगा n बराबर टू, दिस इज n बराबर वन, देख रहे हैं आप, ये कैसा हो जाएगा दिस इज n बराबर सिक्स, ये कैसा हो जाएगा दिस इज n इक्वल टू फोर। तो आप देखें अलग अलग n फैक्टर्स हैं इनके, और इनके हिसाब से आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर वन मोलर आयोडीन है तो वो टू नॉर्मल है, वन मोलर के आई है तो वो वन नॉर्मल है, वन मोलर के टू सी आर टू ओ सेवन है तो वो सिक्स नॉर्मल है, और अगर वन मोलर हाइड्रोजीन है तो वो फोर नॉर्मल है। ये रेडॉक्स रिएजेंट्स, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस के रिएजेंट्स का काम है। पर ध्यान रखिएगा नॉर्मलिटी यहां चर्चा एनसीईआरटी में है, इसलिए हमको करनी पड़ी, अदरवाइज ये जो हम यहां बता रहे हैं सॉल्यूशंस के चैप्टर में रेडॉक्स वेडॉक्स का इतना काम नहीं आता। पर डेफिनेशन को ढंग से बताने के लिए, ताकि आपको ठीक से इसका आइडिया लग जाए, हमने एक बार अच्छे से इसको बता दिया। तो ये थी हमारी नॉर्मैलिटी। अब सबसे मेजर काम क्या है, वो मेजर काम, अगर एक यूनिट्स दे रखी हो तो दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूं जो आपको कहीं सुविधा से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हर जगह अंट शंट घटिया किस्म के फॉर्मूले होते हैं जिनको देख देख कर आपको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट करना होता है। लोग 500 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं क्योंकि 10-11 यूनिट्स हैं। तो अगर आप दो, कोई भी दो कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आ जाएगा वो 11C2 बड़ी संख्या है। और अगर परम्यूटेशन निकालेंगे कि मोलैरिटी से मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और मोलैरिटी से मोलैरिटी का दूसरा, तो और उसके भी डबल हो जाएंगे। ये भयंकर है, पर हम जो करेंगे आप देखिएगा वो कोई अंधा रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऐसे तो अपने को बहुत सारे फॉर्मूले चाहिएंगे। कुछ भी रटे बगैर सिर्फ एक बिल्कुल सिस्टमैटिक मेथड से आप चलेंगे और श्योर शॉट आपका काम हो जाएगा। कैसे, आइए बने रहिए हमारे साथ, मुश्किल से 10 मिनट का काम है, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर उसके माध्यम से हम ये बात करेंगे। कैसे, आइए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्यों, उस क्वेश्चन को जिस मेथड से हम सॉल्व करेंगे उस मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वो मेथड शानदार है। उस मेथड को देखने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आइए वो क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है गिवन, आपके पास है 1 लीटर 98% H3PO4, 1 लीटर है 98% फॉस्फोरिक एसिड है जिसकी डेंसिटी है 1.8 ग्राम्स पर ml, और हमसे कहा है फाइंड, क्या फाइंड, सब कुछ मतलब फाइंड इट्स मोलैरिटी, मोलैलिटी परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल, मास फ्रैक्शन y, मोल फ्रैक्शन x, ppm, pbb तो इतने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सेंस नहीं है निकालने की, नॉर्मैलिटी n, मतलब और भी ग्राम्स पर लीटर वेटर जो बच गया है, जितनी यूनिट्स तुमने देखी थी ना सारी यूनिट्स निकाल दो। बस ppm, pbb इसलिए छोड़ दिया हमने क्योंकि ppm क्या बड़े डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है, 98% सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो सेंस नहीं है इसकी। अरे बाबा कैसे निकालेंगे ये सब, मैं आपको, मैंने कहा था तरीका बताऊंगा। हाँ जी, कहां से बताएं, तरीका कैसे आएगा, आप सबसे पहले जो गिवन है वो देखिए, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है 98%। ये परसेंट क्या है, परसेंटेज बाय मास है या परसेंटेज बाय मोल है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ये परसेंटेज दी होती है अगर सॉलिड या लिक्विड के लिए दी है तो ये परसेंटेज बाय मास है, और अगर गैसों के लिए दी है तो ये परसेंटेज बाय मोल्स होती है। क्यों, टेक्स्ट बुक साफ साफ ये कन्वेंशन लिखती नहीं है, खा जाती हैं, पर माना यही जाता है। मैं बता रहा हूं, केयरफुली नोट कर लीजिए, या तो दे रखा हो कि परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय मोल, जो दे रखा है फिर तो वो सही है, अगर गैसों के लिए भी परसेंटेज बाय मास दे रखा है तो वो परसेंटेज बाय मास है। लेकिन सिर्फ परसेंटेज लिख के भाग गए और बदमाशों ने यह नहीं बताया कि ये परसेंटेज बाय मास है या परसेंटेज बाय मोल्स है, तो आप कैसे जज करेंगे। अरे बड़ा आसान है, आप चेक करिए, आप सॉलिड है लिक्विड है, हां तो ये परसेंटेज परसेंटेज बाय मास है,
और अगर आप गैस हैं तो ये परसेंटेज परसेंटेज बाय मोल्स है। जैसे कोई कहता एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन तो ये परसेंटेज बाय मोल्स है, पर कोई कहे सी वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट तो ये परसेंटेज बाय मास है, क्योंकि सी वाटर लिक्विड है या एयर गैस। ऐसी ये फॉस्फोरिक एसिड अगर हमारे पास है तो फॉस्फोरिक एसिड क्या है, ये भी लिक्विड होता है, लिक्विड है तो परसेंटेज कैसी है, दिस इज परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छी बात है। तो मैंने क्या कहा था, जो दे रखा है एक तो उसको देखिए, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या था याद करिए, परसेंटेज बाय मास होती थी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये था। जी हां, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, जो मैं बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जो गिवन हो उसके डिनोमिनेटर से चालू करना है। क्या 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 क्या, जो गिवन हो उसके डिनोमिनेटर से चालू करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मानते हुए शुरू करना है। कितना सॉल्यूशन माने, परसेंटेज है पर 100 ग्राम है तो आप मानिए लेट अस कंसिडर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्यों नहीं, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्यूशन मानना है। मोलालिटी होती तो उसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होता तो आप ऐसे शुरू करते लेट अस कंसिडर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर मोलालिटी दी होती। यहां पर परसेंटेज बाय मास दी है तो हम ऐसे शुरू करेंगे और बोलेंगे उसे ऐसे लिखते हैं बेसिस, क्या है 100 ग्राम्स ऑफ, ये बेसिस क्या मतलब कहां से शुरू करें, जो आप लिखते हैं ना लेट अस कंसिडर, तो ये एक तरह से लेट अस कंसिडर वाला चीज है। Let us consider 100 grams of solution, ठीक है कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक छोटा सा टेबल बनाइए प्यारा सा, क्या क्या लिखेंगे उस टेबल में, आप लिखेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूशन और यहां लिखेंगे मास मोल्स और वॉल्यूम। अच्छा, ये देखिए इस तरह से, क्या जाएगा बताइए। मास हमारे पास कुछ है क्या, कहां से शुरू करेंगे, हमने कहा है 100 ग्राम सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन के 100 ग्राम्स लेके शुरू करेंगे। अच्छी बात है, सॉल्यूशन के 100 ग्राम ले लिए और उसमें हमको गिवन है कि 98% H3PO4 है तो सॉल्यूट का मास हो गया 98 ग्राम्स। ऑब्वियसली ये कितना हो गया 100 - 98 यानी कि 2 ग्राम्स। और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है बेचारा पानी और सॉल्यूट है H3PO4। देखिए दोनों को, अगर ऐसा है H3PO4 के मोल्स कितने हो गए 98/98, ये क्या किया इसका मोलर मास भी 98 है तो 1 मोल। पानी का मोलर मास कितना है 18 तो 1/9 मोल्स। टोटल कितना है, टोटल करिए 1 + 1/9 10/9 मोल्स है। अच्छा, वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम में ध्यान दीजिएगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग से कोई वॉल्यूम का मतलब नहीं होता, अगर कोई मतलब होता है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का ही मतलब होता है। आइए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम्स और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1.8 ग्राम्स पर एमएल। तो क्या हो जाएगा 100 बाय 1.8 विच इज 1000 बाय 18 500 बाय 9 एमएल। अच्छा ऐसे क्यों लिखा है वो देख लेंगे अपन, है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 18 लीटर्स। ये जो चार्ट बनाया ना आपने इससे सारा काम हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है, इससे सबसे लंबे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। यहां तो अपन छोटी बातें कर रहे हैं, छोटी क्या लंबी बातें वैसे भी, पर ये सब हो जाएगा। कैसे होगा आप देखते जाइए। अब आप देखिए मोलारिटी क्या थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल डेफिनेशन के मोल ऑफ सोल्यूट का कितना मोल है 1 मोल, तो 1 मोल था सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1 बाय 18 लीटर, यानी कि ये हो गया 18 मोलर। लीजिए साहब आ गई मोलारिटी। अच्छा और मोलालिटी, मोलालिटी थी मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जी हम फिर से ले लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, जगह कम है तो वहां छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे बाबा कितना है सॉल्वेंट, पानी, कितने केजी है 2 ग्राम है, 2 ग्राम मतलब 2 × 10⁻³ केजी। गजब, तो ये हो गया 500 मोलल। आप देखो मोलर और मोलल में बड़ा अंतर है, मोलर 18 मोलर था, मोलल 500 मोलल है। भयानक है ये, परसेंटेज बाय मास तो दे ही रखा है 98% है, कोई बड़ी चीज नहीं है। परसेंटेज बाय मोल कैसे होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1 मोल और टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने हैं 10 बाय 9, तो ये आ जाएगा 10 बाय 9। तो मोल फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 0.9। अच्छा मोल फ्रैक्शन 0.9 है तो मोल परसेंट होगा इसका 100 गुना, यानी कि 90%। मास फ्रैक्शन इज मास परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो मास परसेंट डिवाइडेड बाय 100 ले लेते हैं विच इज 0.98। हाय नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, अभी तो देखा था मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी है 18 मोलर और एन फैक्टर है 3, तो दिस इज 54 नॉर्मल। आई होप यू फाइंड नथिंग एब नॉर्मल अबाउट इट। ग्राम्स पर लीटर देखना है, हाँ जी तो ग्राम्स पर लीटर देख लीजिए, ये कैसा है मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट इज 98 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इज 1 बाय 18 लीटर्स। तो ग्राम्स पर लीटर थोड़ी 98 × 18 इतने ग्राम्स पर लीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मजेदार है। अगर 100 होता तो 100 × 18 1800 होता, 1800 − 36 तो ये क्या 1764 ग्राम्स पर लीटर ऐसा आ गया। आप देखिए सब निकाल डाले, एक भी फॉर्मूला रटे बगैर, यही तरीका है। बहुत सुंदर, बहुत सिस्टमैटिक हमारा ओरिजिनल मेथड है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ और शायद सुनने को भी नहीं मिलेगा कहीं और। ध्यान से देखिए, सीखिए और बगैर रटे आनंद उठाइए फिजिकल केमिस्ट्री का। मैं फिर एक बार बता दूं, अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा होता यहां पे तो कैसे शुरुआत करते, लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। अगर मोलारिटी दी होती यहां पे तो कैसे शुरू करते, लेट अस कंसिडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर ppm दिया होता यहां पे तो कैसे शुरू करते, लेट अस कंसिडर पर मिलियन है तो लेट अस कंसिडर 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन अगर बाय वेट होता, या 1 मिलियन मोल्स ऑफ सोल्यूशन अगर बाय मोल्स होता। तो
डिनोमिनेटर दी हुई क्वांटिटी के डिनोमिनेटर से चालू करना है, बस इसमें बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता आपकी सॉल्व ना हो, तो तुरंत सॉल्व हो जाए। आइए इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको किसी किस्म का भ्रम नहीं रह जाए। इसमें पीपीएम नहीं शामिल हुआ था, तो एक डायल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं और पीपीएम की भी बात कर लेते हैं, आपको और मजा आएगा। ठीक है, लिखिए, गिवन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, गिवन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड इन अ सैंपल ऑफ वाटर, गिवन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड इन अ सैंपल ऑफ वाटर इज 0.001। मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड इन अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज 0.001। फाइंड, सब कुछ मतलब फिर से वही मोलारिटी, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन तो दे रखा है, मोल परसेंट निकलवा लेते हैं, मास परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम्स पर लीटर, किसी की श्रद्धा हो तो। इसमें नॉर्मलिटी की कोई सेंस नहीं है, इतना काफी है। ये सब निकलवाएंगे हम एक एक करके, आपको सॉल्व करना है। वीडियो रोकिए, पहले कुछ सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो चालू करके सॉल्यूशन मैच करिएगा। लेकिन एक मिनट, डेंसिटी सुन लीजिए। डेंसिटी वैसे तो पानी की होती है 1 ग्राम पर ml, पर आपको कोई भ्रम ना हो इसलिए बोल दिया, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। करिए फटाफट, अगर कर चुके हैं तो आइए मैं भी सॉल्व करता हूं, चेक करिए आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। मेथड हमने बता दिया था, टेबल बनाना है आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। और यहां जाएगा मास, मोल और वॉल्यूम, इसमें से ये काट देंगे हम। तो चलिए देखते हैं क्या हश्र होता है किसका। मास शुरू कहां से करेंगे, बेसिस क्या है, हम कहेंगे लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 मोल। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने 1 मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा nu/1। देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज दिस मच इनटू 1, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 0.001। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.001, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है 1 मोल। तो सॉल्वेंट कितना बचा, 1 - 0.001 व्हिच इज 0.999 मोल्स। अच्छी बात है, ध्यान रखना सॉल्यूट है D2O और सॉल्वेंट होगा वाटर बोला है तो H2O। अच्छी बात है, लोगों ने कहा डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, तो चाहे तो उसका मास वास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वो देखा जाएगा, है ना। पर पहले एक मिनट, मास पहले निकाल लेते हैं। मास कितना होगा, D2O का मोलर, ड्यूटेरियम इज 2, तो D2O का मोलर मास इज 20, तो 0.001 × 20 इज इक्वल टू 0.02 grams है किसके, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के, ठीक किया मैंने, 1, 2, 3, हाँ ठीक है।
सॉल्वेंट कितना होगा? वेल 0.999 मोल्स हैं इनटू 18. बहुत सुख का अनुभव तो नहीं है, पर 18 माइनस 0.018 बोल सकते हैं. अच्छा, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं. दिस प्लस दिस, तो माइनस 0.018 प्लस 0.02, तो हो जाएगा 18.002 ग्राम्स. ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम अगर जरूरत पड़ेगी, आपकी श्रद्धा हो तो निकाल सकते हैं. वॉल्यूम कितना जाएगा? वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. तो मास कितना है? 18.002 ग्राम्स. डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, नॉट लीटर. 1 ग्राम पर लीटर तो गैसों की डेंसिटी होती है, तो अपॉन 1 ml ये आ जाएगा वॉल्यूम. टेबल पूरा हो चुका है हमारा. अब लोगों ने कहा, बेटा इसकी वैल्यू बताओ तुम, तो तब मजा आए, फटाफट बोलते जाओ. तो आइए देखते हैं और निकालते हैं. थोड़ी जगह कर लिया अपने लिए, और कुछ नहीं. मोलारिटी कैसे निकालेंगे? मोलारिटी चेक कीजिए, बताइए. हमारे में था मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.001 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. वेल लगभग 18 ml है, लगभग 0.002 की दुम कौन लगाएगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है वो. तो 0.018 liters, 1/18 मोलर आ जाता है. मोलालिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 mole डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो गया? 18, आपकी श्रद्धा हो तो 0.002 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, इंटू 10^-3 केजी. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आ गया भैया? ये भी मजेदार है. दिस इज 1000/18 मोलल. एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी हमने? नहीं, मोल्स तो 0.001 है, 1 नहीं है, 0.001 है. ठीक है, सॉरी. तो ये और ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, एक छोटी सिली मिस्टेक थी, आ जाएगा 1/18 मोलल. मैं गलती कर रहा था, सिली मिस्टेक कर रहा था. मुझे हिंट कैसे मिली पता है? मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर है. क्या? कि अगर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलालिटी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज मोलारिटी. रिटी और लिटी बराबर हो जाते हैं अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और वो बड़ा डाइल्यूट सा सॉल्यूशन है. तो हमारा तो बहुत डाइल्यूट था, 0.1 मोलर भी डाइल्यूट माना जाता है, अपना तो 0.001 मोलर था. तो जब मैंने देखा दोनों की वैल्यू बड़ी गड़बड़ आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं, तो मेरे दिमाग में एक शक हुआ कि कहीं कोई सिली मिस्टेक कर दिया. शशिर तुमने इसको चेक करो. मैंने चेक किया और देखा कि मैं तो 0.001 को गलती से 1 लिख गया था, फिर सही किया और आप देख सकते हैं रिटी और लिटी बराबर आ गए हैं. ध्यान करिए, पिछला क्वेश्चन जो था जिसमें 98% फॉस्फोरिक एसिड था, उसमें रिटी और लिटी बराबर नहीं थे. मोलारिटी 18 मोलर थी, मोलालिटी 500 मोलल थी, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, डेंसिटी भी 1 नहीं थी. यहां पर रिटिलिटी सेम है और ये अप्रोक्सीमेशन हमारे काम का है. ये कई जगह डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस में इस चैप्टर में हमारे काम भी आएगा. मोल परसेंट, वेल मोल परसेंट कैसा होगा? मोल्स बाय टोटल मोल, तो ये तो वही है, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, विच इज 0.1%. मास परसेंट कितना होगा? मास परसेंट इज मास अपॉन टोटल मास इंटू 100. वेल मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.02, टोटल मास इज 18.002 इंटू 100. रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा? दिस इज 2/, इसको निगलेक्ट कर दूं तो 2/18, 1/9, 1/9 इज 0.11%, ऐसा आ जाएगा. ये गंदा लिखा जा रहा है, दोबारा लिखता हूँ, 0.111% आ जाएगा आंसर. PPM में नाप सकते हैं,
शायद कैसे आइए देखते हैं। ये हो जाएगा पीपीएम वेट बाय वेट, मास ऑफ D2O कितना है 0.02 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन वही 18 ग्राम। आप सोच रहे होंगे मैं 0.002 हर बार खा जा रहा हूं, आप लिख लीजिए, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दो नंबर जोड़ रहे हैं A प्लस B कर रहे हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू A, इफ अगर जो B है ना वो A के 1% या उससे कम है तो बहुत मजे से निगलेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो बी ये कितना है 18 प्लस 0.002, तो 0.002 तो उसके 1% से भी बहुत कम है, और भी बहुत कम है, तो निगलेक्ट कर दिया हमने, कैलकुलेशन में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। कितना दिस इंटू 10^6, वाओ ये होता है पीपीएम। जी हाँ, तो परसेंटेज इंटू 10^4 ऐसा रहता है। ऊपर तो देखेंगे तो इंटू 10^4 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1111.1 ppm। ओह ये तो काफी अच्छा खासा है। हाँ जी, पार्ट्स पर मिलियन में बड़ी वैल्यू लगती है, 1111 ppm के लगभग ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा ऐसे। आई जस्ट होप आई हैव एक सिली मिस्टेक तो नहीं करिए, चेक कर लो एक बार। 0.02/18, दिस इज 2/18, 1/9 इंटू 10^4, सही है, बिल्कुल सही है। ग्राम्स पर लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स 0.02 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स 18 ml, इंटू 10^-3 लीटर, 20/18, 10/9, 1.111 ग्राम्स पर लीटर, ये आ जाती है यूनिट्स ग्राम्स पर लीटर में। आप देखिए इस बार क्या किया, हमें मोल फ्रैक्शन दिया था, उतने ही आराम से उतने ही प्रेम से हमने सारी यूनिट जो हमको बोली गई थी सब निकालती हैं। ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और ऐसे ही सवाल होते रहेंगे। तो भय त्यागिए, प्रैक्टिस करिए, आनंद उठाइए और अब इसके बाद वेपर प्रेशर पर ध्यान लगाइए। ये चर्चा यहां समाप्त हुई।